दोस्तों, इंडिया और चाइना वर्ल्ड के दो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, जिनके बीच हिमालयाज ने एक फॉर्मिडेबल बैरियर बनाकर सदियों तक इन देशों के बीच के कल्चरल रिलेशंस को रेस्ट्रिक्ट किया है। ऑल्दो ट्रेडर्स और इनवॉइस समय समय पे दोनों देशों के बीच ट्रैवल करते रहे हैं, लेकिन इन दो सभ्यताओं के बीच इतने समय में जिस हद तक इंटरेक्शन होना था हिमालयाज के कारण नहीं हो पाया। यदि हिमालयाज की बात की जाए तो इनका इम्पैक्ट चाइनीज कल्चर से ज्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर्स पे रहा है। चाइना अपना कल्चर हवांग हो और यांगते जैसी नदियों से ड्राइव करता है, जिसने वहां एक ग्लोरियस राइस कल्चर डेवलप किया। वहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर्स हिमालय से निकलती हुई इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को अपना सोर्स मानते हैं, ठीक उसी तरह जैसे क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म जेरूसलम से ऑरिजिन ट्रेस करते हैं, या मक्का और मदीना इस्लाम के सेंटर हैं, उसी तरह हिमालय और उसकी नदियां हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म जैसे रिलीजन्स में एक सेमिनल रोल प्ले करती हैं। हिमालय के साथ दूरी के कारण हो सकता है चाइनीज लोगों के लिए इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस ज्यादा ना हो, लेकिन यदि स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिमालय चाइना के लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। मॉडर्न चाइना के एस्पेक्ट में इस बात को देखा जाए तो हिमालयन इम्पॉर्टेंस को हाईलाइट चाइनीज रिवॉल्यूशनरी लीडर माओ ज़ेडोंग ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में 1950s में दिए अपने फेमस स्पीच में किया था। तिब्बत और हिमालयस की बात करते हुए उस स्पीच में माओ ज़ेडोंग ने तिब्बत, जिसे चाइना में शिजांग कहते हैं, उसे चाइना के राइट हैंड की हथेली बताई थी, जो अपनी पांचों उंगलियां लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश से डिटैच्ड है। उस स्पीच में माओ ने कहा था कि ये पांचों उंगलियां आज या तो इंडिया द्वारा ऑक्युपाइड हैं या इंडिया के इन्फ्लुएंस में हैं, और ये चाइना की जिम्मेदारी है कि इन्हें इंडिया से लिबरेट कर शिजांग से रिज्वाइन किया जाए। कुछ इस तरह चाइना के पॉपुलर फाइव फिंगर पॉलिसी का जन्म हुआ, जिसे किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो दर्ज नहीं किया गया, लेकिन आने वाले समय में ये चाइना की इंडिया के साथ डेवलप होने वाली फॉरेन पॉलिसी में चाइनीज स्ट्रेटजी की टॉर्च बियरर रही। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का मकसद चाइना के इसी फाइव फिंगर पॉलिसी को समझना है, जिसके कारण चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर टसल 1950s से आज तक बने हुए हैं। इसके अलावा आज डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह चाइना की फाइव फिंगर पॉलिसी 21st सेंचुरी में शी जिनपिंग द्वारा रिवाइव की जा रही है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, यदि चाइना के इतिहास को देखा जाए तो मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना द्वारा भूटान, नेपाल और सिक्किम पे अपने क्लेम एस्टैब्लिश करने से पहले भी कई बार इन एरियाज पे चाइनीज लीडर्स ने अपनी अथॉरिटी की बात कही है। अर्ली 1900 के दौरान चाइना में रूल करने वाले राजाओं ने इन हिस्सों को तिब्बत का एक्सटेंशन बताते हुए चाइना की टेरिटरी प्रोक्लेम की थी। तिब्बत में रहने वाले चाइना के इंपीरियल रेजिडेंट ने भी इन टेरिटरीज के रूलर्स को लेटर लिखते हुए सेज भाइयों की तरह मिलकर ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए इन्वाइट किया था। 1945 से 1949 के बीच चले चाइनीज सिविल वॉर के दौरान माओ ज़ेडोंग ने नेपाल और भूटान को चाइना की ट्रिब्यूटरी बताया था। पूरे 1940s के दौरान माओ ने पब्लिक स्टेटमेंट्स के थ्रू इन फाइव फिंगर्स को चाइना में इंक्लूड करने की बातें कही थी। ये स्टेटमेंट 1954 तक तिब्बत में स्थित चाइनीज ऑफिसर्स द्वारा भी रिलीज किए जाने लगे कि वो लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को रॉन्गफुल ऑक्युपेशन या ये कहें इंडियन ऑक्युपेशन से आज़ाद करवाएंगे। सिमिलरली 1958 से 1961 के बीच चाइना और तिब्बत के रेडियो सिस्टम्स के द्वारा फाइव फिंगर्स के ऊपर चाइना के क्लेम लगातार प्रोपेगेट किए गए। जुलाई 1959 में चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल जांग गुहुआ ने स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा कि भूटानीज, सिक्किमीज और लद्दाखीज को मिलकर एक यूनाइटेड तिब्बत बनाने की जरूरत है, जो ग्रेट मदरलैंड ऑफ चाइना के अधीन रहेगी। दोस्तों, इस असर्शन के पीछे चाइना के एक्सपेंशन मोटिव्स क्लियर हो चुके थे। चाइना ने कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज का बहाना देकर न केवल इन टेरिटरीज को चाइना में इंटेग्रेट करना चाहा, बल्कि लॉन्ग टाइम अप्रोच में इन्हें इंडिया के अगेंस्ट यूज किए जाने वाले स्ट्रेटजिक लोकेशंस की तरह डेवलप करना चाहा। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान की एनिमिटी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज थी, और 1971 तक इंडिया टू साइड से पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता था। वेस्टर्न साइड मेनलैंड पाकिस्तान और ईस्टर्न साइड पे ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
चाइना ने इंडिया को हमेशा से अपने एक कॉम्पिटिटर की तरह देखा, जिससे उसके एग्जिस्टेंस को खतरा है। और अपने इसी सेल्फ डेवलप्ड फियर के कारण चाइना आज भी इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव बिहेवियर बनाए रखता है। फाइव फिंगर्स पॉलिसी के तहत आज भी चाइना इंडिया को स्ट्रेटजिकली वल्नरेबल बनाना चाहता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया के गार्जियन के तौर पे खड़े हिमालय के बीच ऐसे रूट्स डेवलप किए जाएं जिससे फ्यूचर में इंडिया पे अटैक करना इजी हो सके। यदि फाइव फिंगर्स के लिए चाइना द्वारा चूज टेरिटरीज की बात की जाए तो लद्दाख के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चाइना पाकिस्तान से फुल एक्सेस डेवलप करना चाहता था, जिससे वो चाइना को वेस्ट एशिया और अरेबियन सी से कनेक्ट कर सके। चाइना की इसी स्ट्रेटजी को आज हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC के तौर पे देख सकते हैं। दोस्तों, नेपाल पे कंट्रोल के साथ चाइना बिहार और उत्तर प्रदेश के थ्रू इंडिया के हार्टलैंड में एक्सेस डेवलप करना चाहता है। यदि चाइना किसी मेथड से नेपाल में अपनी आर्मी डिप्लॉय करने में सक्षम होता है तो यूपी बिहार समेत पूरा नॉर्थ इंडिया चाइना के मिलिट्री रीच में आ जाएगा। सिक्किम इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर कहे जाने वाले एक पैसेज जो मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ता है उसके लिए क्रूशल है। 60 किलोमीटर लंबे और केवल 21 किलोमीटर चौड़े इस पैसेज ने इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करके रखा है। चाइना सिक्किम पे अपनी पकड़ मजबूत कर इंडिया के इसी पैसेज को ब्लॉक करना चाहता है, जिसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेनलैंड इंडिया से जियोग्राफिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, भूटान के एरिया पे अपना एक्सेस डेवलप कर चाइना बांग्लादेश से क्लोजनेस बढ़ाना चाहता है, जो उसे इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल के थ्रू आउटलेट प्रोवाइड करेंगे। अरुणाचल प्रदेश को अपने कंट्रोल में लेने के पीछे चाइना का पूरा नॉर्थ ईस्ट पे अपना डोमिनेंस बनाने का प्लान है। अरुणाचल प्रदेश के पासेस चाइना को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलिट्री डिप्लॉय करने के लिए पैसेजेस प्रोवाइड करेंगे, जो इंडिया के अगेंस्ट चाइना के लिए एक क्रिटिकल स्ट्रेटजिक सुप्रीमेसी होगी। दोस्तों, चाइना के लिए ये पांचों फिंगर्स एक दूसरे के साथ एक कोऑपरेटिव रोल प्ले कर सकते हैं, जिसे यदि चाइना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता है तो इंडिया की बॉर्डर रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती। दोस्तों, आज हमारी दुनिया COVID-19 पैंडेमिक के इम्पैक्ट से उभरने के प्रयास कर रही है, जिसकी शुरुआत चाइना से हुई थी। लेकिन इस पैंडेमिक के दौरान भी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के रीजनल डोमिनेंस की क्वेस्ट खत्म नहीं हुई। हिमालय से लेकर हांगकांग तक और तिब्बत से लेकर साउथ चाइना सी तक शी जिनपिंग ने उसी इंटरनेशनल बैकलैश की फिक्र ना करते हुए उन चीज़ों को वहीं से समेटना शुरू कर दिया है जहां चाइनीज लीडर माओ ज़ेडोंग ने उन्हें छोड़ा था। यदि शी और चाइना के प्रीवियस अथॉरिटेरियंस के बीच कंपैरिजन किया जाए तो उन्हें उन प्रीवियस डिस्पोटिक रूलर्स का न्यू मॉडिफाइड वर्जन कहा जा सकता है। डिसेंट के ऊपर ब्रूटल क्रैकडाउन, हांगकांग में वन कंट्री टू सिस्टम्स वाले अरेंजमेंट के फॉल को प्लान करना, शिनजियांग प्रोविंस में उइगुर और दूसरे मुस्लिम से अपने डिटेंशन सेंटर्स और कंसंट्रेशन कैंप्स फिल करना, हमें शी जिनपिंग के अंदर उन्हीं प्रीवियस अथॉरिटेरियंस की एक एसेंस फील करवाते हैं। मिस्टर शी ने समय के साथ माओ स्टाइल पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप कर लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने 2017 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऐड की है, शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स फॉर अ न्यू एरा, या यूं कह ले कि लेनिन, स्टालिन और माओ द्वारा फॉलो किए गए प्रिंसिपल्स का एक होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें 21st सेंचुरी चाइना ने नीड्स के एसेंस को ऐड कर दिया हो। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में मिस्टर शी द्वारा दिए गए इस डॉक्ट्रिन का इंक्लूजन उन्हें चाइनीज हिस्ट्री में तीसरा ऐसा इंसान बनाती है जिनके नाम को इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हो। शी जिनपिंग के अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन में माओ ज़ेडोंग और डेंग ज़ियाओपिंग का नाम शामिल है। इसके अलावा रिसेंटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने मिस्टर शी जिनपिंग को रेनमिन लिंगिक्सू के टाइटल से नवाजा है। इसका अर्थ है पीपल्स लीडर। दोस्तों, आज से पहले इस टर्म को माओ के साथ एसोसिएट किया जाता था। एट प्रेजेंट शी जिनपिंग माओ के उन्हीं एक्सपेंशनिस्ट विजन को पूरा करने में लगे हैं। माओ के रूल के दौरान ही चाइना ने शी जिनपिंग और तिब्बत रीजन को एनेक्स किया था, जिसके बाद चाइना की टेरिटरी डबल से भी ज्यादा बढ़ गई और दुनिया में उसे फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बना दिया था। माओ द्वारा ये मूव वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में से एक था। इस लार्ज लैंडमार्क के साथ चाइना को तिब्बत के रिसोर्स रिच रीजन्स और इंडिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ डायरेक्ट बॉर्डर्स मिले। इस एनेक्सेशन ने माओ की फाइव फिंगर्स पॉलिसी को बढ़ावा दिया, जिसे वो कई सालों से प्रोपेगेट करते चले आ रहे थे। लास्ट ईयर चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के अंदर एक सीरीज ऑफ वेल कोऑर्डिनेटेड इंसर्शंस किए। इसके बाद चाइनीज साइड से लद्दाख में LAC, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हैवी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट किए गए। इस क्लैश में 20 इंडियन सोल्जर्स
और एक अननोन नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स की डेथ हुई। लद्दाख के साथ चाइना ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ट्रूप्स डिप्लॉय कर माओ की फाइव फिंगर पॉलिसी को इंडिया के अगेंस्ट रिवाइज किया। दोस्तों, इन तीनों फिंगर्स के अलावा चाइना अपने दोनों फिंगर्स को नहीं भूला है। 2019 में चाइना ने तिब्बत, सिक्किम और भूटान के इंटरसेक्शन पे स्थित डोकलम प्लेटू को ऑक्युपाई कर लिया था, जिसके बाद चाइनीज आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ 73 डेज लंबा मिलिट्री स्टैंड ऑफ चला था। इसके बाद भी चाइना भूटान जैसे छोटे देश के 11% टेरिटरी पे अपना क्लेम शो कर रहा है। दोस्तों, ये क्लेम भूटान के उस एरिया पे है जिसे केवल अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। चाइना के मैप्स आज इस टेरिटरी को चाइना का हिस्सा दिखाती हैं। शी जिनपिंग ने अपने इस मूव से चाइना के टू फिंगर्स यानी कि भूटान और अरुणाचल प्रदेश को एक साथ टारगेट किया है। चाइनीज प्लान का फिफ्थ फिंगर नेपाल भी पिछले कुछ सालों से इंडिया से दूर और चाइना के करीब जाता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने नेपाल में कम्युनिस्ट फैक्शंस की जीत में हेल्प की थी। इलेक्शन कैंपेन को फंड करके और राइवल फैक्शन को यूनिफाई करके चाइना ने नेपाल में कम्युनिस्ट के पावर को कंसोलिडेट किया। ऑल्दो नेपाल एक पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, लेकिन नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह इंटरफेयर करके चाइना आने वाले समय में नेपाल को लेकर अपनी स्ट्रेटजी एक्सप्लिसिटली शो कर रहा है। हाल ही में एक लीक्ड नेपाली एग्रीकल्चरल रिपोर्ट में इस बात की वार्निंग दी थी कि चाइना के मैसिव रोड प्रोजेक्ट्स नेपाल के नदन टेरिटरीज में चाइना के बॉर्डर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं और वहां के रिवर्स के फ्लोइंग डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। दोस्तों, चाइना के लिए एशिया के वाटर मैप को बदलना कोई नई बात नहीं है। तिब्बत एशिया के 10 मेजर रिवर सिस्टम्स जिसमें इंडस और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं, उनका बर्थ प्लेस है। रिवर फ्लो को मैनिपुलेट करते हुए चाइना ने खुद को एक हाइड्रो हेजमन बना लिया है और वो अपने मेगा डैम्स के थ्रू डाउनस्ट्रीम कंट्रीज को फ्लड और ड्रॉट जैसे चैलेंजेस पोस करता है। चाइनीज फाइव फिंगर पॉलिसी में हथेली का काम करने वाला तिब्बत चाइना के इन सारे क्लेम्स के लिए सेंट्रल है। ज्योग्राफी, एथनीसिटी और हिस्ट्री का रेफरेंस देते हुए चाइना उन पांचों फिंगर्स को एसेंशियली तिब्बत का ही हिस्सा मानता है जो अल्टीमेटली चाइना का हिस्सा है। यदि चाइनीज एक्सपेंशनिज्म के साथ फाइव फिंगर स्ट्रेटजी को देखा जाए तो इंडिया समेत चाइना के सारे नेबर्स फ्यूचर में भी ऐसे टर्मोइल्स देखते रहेंगे जिसका सबसे सीवियर इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ सकता है। दोस्तों, इंडिया के लिए चाइनीज फाइव फिंगर स्ट्रेटजी 1950s से ही कंसर्न बनकर रही है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन ना होने के बावजूद इंडिया ने चाइनीज पॉलिसी को समय समय पे सीरियसली टैकल करने के अनेक प्रयास किए हैं। इंडिया ने चाइनीज स्ट्रेटजी को देखते हुए पहला पुश बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की गवर्नेंस बिल्डअप करके किया। मिड 1950s में जवाहरलाल नेहरू के अंडर गवर्नमेंट ने इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या IFAS बिल्ड करने का डिसीजन लिया, जिसका काम अरुणाचल प्रदेश और इंडो चाइना फ्रंटियर के दूसरे एरियाज को ओवरसी करना था। इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस को ओवरलैप कर कॉन्स्टिट्यूट किए गए इस न्यू सर्विस को फॉरेन सेक्रेटरी लीड किया करते थे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक स्पेशल डेस्क क्रिएट किया गया जिसके अंडर ऑफिसर्स अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक सारे रीजन्स का टूर करते थे और इन एरियाज के रैपिड डेवलपमेंट्स के लिए सजेशन प्रोवाइड करते थे। ऑल्दो इंडिया के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आज चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर से बराबरी कर रहे हैं, लेकिन इसका बेस IFAS के ब्रीफ पीरियड के दौरान ही एस्टैब्लिश किया गया था। अपने समय से पहले एग्जीक्यूट होने वाले आइडिया की तरह IFAS को 1968 में एबॉलिश कर दिया गया और इसके रोल को इंडियन आर्मी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफर कर दिया गया, जिन्होंने आने वाले समय में चाइना से शेयर किए जाने वाले बॉर्डर्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी उठाई। दोस्तों, आज IFAS एक ऐसे आइडिया की तरह अपीयर होता है जिसे रिविजिट करने की जरूरत है, स्पेशली उन फ्रंटियर्स के लिए जहां सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी फोकस नहीं कर पाई है। 2019 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर्स ने भी IFAS को रिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजे थे। दोस्तों, इंडिया ने दूसरी इनिशिएटिव अपने नेबर्स के साथ ट्रीटीज साइन करके की। नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसियों के साथ साइन किए गए ट्रीटीज के अलावा इंडिया ने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। 1950 में इंडिया ने सिक्किम के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसने सिक्किम को इंडिया के प्रोटेक्टोरेट के अंडर प्लेस कर दिया। आगे चलकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के एनेक्सेशन के बाद सिक्किम को इंडिया का फुल फ्लेज्ड 22nd स्टेट माना गया। दोस्तों, इन ट्रीटीज और मूव्स ने नेपाल, सिक्किम और भूटान जैसे स्टेट्स के साथ
यूनिक रिलेशनशिप्स बिल्ड किए। जहां आज सिक्किम इंडिया का हिस्सा बन चुका है, वहीं नेपाल और भूटान के साथ साइन की गई ट्रीटीज मॉडर्न सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यू चेंजेस की डिमांड कर रहे हैं। ओपन बॉर्डर्स, ईज ऑफ मूवमेंट, जॉब्स और एजुकेशन सेक्टर में इंडिया द्वारा किए गए वादे इन देशों के पब्लिक मेमोरी में अब धुंधले पड़ने लगे हैं, जिसे रिवाम करने की जरूरत है। दोस्तों, यदि चाइनीज स्ट्रेटजी को समझा जाए तो आज चाइना नेपाल में अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हुआ है, लेकिन उसे ये कामयाबी भूटान में हासिल नहीं हुई है। इसका प्रमुख कारण है 2007 में इंडिया भूटान द्वारा 1949 की साइन ट्रीटी में चेंजेस लाना, जहां एक ओर 2007 से पहले भूटान की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया गाइड करता था, वहीं 2007 में भूटान के रिक्वेस्ट पे इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया। इंडिया द्वारा इस आर्टिकल के रिमूवल को एक्सेप्ट करने के बावजूद दोनों देशों के बीच टाइज डोकलम और चाइनीज प्रेशर के अंडर भी कायम रहे, लेकिन नेपाल के रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी इंडिया ने 1950 में साइन की गई ट्रीटी में कोई बड़ा बदलाव लाने से इनकार कर दिया। न्यू या मॉडिफाइड ट्रीटी साइन करने से जहां एक ओर शायद चाइनीज थ्रेट कम नहीं होता, लेकिन इंडिया और नेपाल के बीच एक म्यूचुअली रिस्पॉन्सिव डिप्लोमेसी स्टैब्लिश होती, जिससे इंडिया भूटान की तरह इंडिया और नेपाल के बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप होता। दोस्तों, चाइनीज फाइव फिंगर स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया की थर्ड पॉलिसी तिब्बत के टुवार्ड्स डेवलप हुई। 1959 में दलाई लामा और उनके लाखों फॉलोअर्स को शेल्टर देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी का एक बोल्ड एग्जांपल दिया, लेकिन आज इंडिया तिब्बत रिलेशंस एक फ्यूचर एस्पेक्ट की डिमांड कर रहा है, जहां तिब्बतन रिफ्यूजी कम्युनिटी के अलावा फ्यूचर तिब्बतन लीडरशिप के साथ भी इंडिया को अपने रिलेशनशिप्स डिजाइन करने पड़ेंगे। एट प्रेजेंट दलाई लामा दुनिया भर में रहने वाले तिब्बतन लोगों के लिए लीडर का रोल प्ले करते हैं, लेकिन आने वाले समय में तिब्बतन की पॉलिटिकल लीडरशिप किसके पास जाती है, ये एक सीरियस क्वेश्चन है। करमापा लामा चाइना से 2000 में आने के बाद कुछ समय तक इंडिया में रहे, जिन्हें आने वाले समय में तिब्बतन लोगों के पॉलिटिकल लीडर की तरह देखा जा रहा था, लेकिन करमापा लामा ने आज दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है और अपना ज्यादातर समय यूएस में स्पेंड करते हैं। इस पॉलिटिकल वैक्यूम में चाइना अपनी च्वाइस तिब्बतन लोगों के ऊपर इम्पोज कर सकता है, और इसे रोकने के लिए तिब्बतन रिफ्यूजी के साथ इंडिया को एक प्रोमिनेंट रोल एक्वायर करने की जरूरत है। फाइनली, जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया द्वारा दिया जाने वाला रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया और उसके नेबर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनकर उभरा है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अबॉलिश करने के बाद इस स्टेट में सिक्योरिटी मैट्रिक्स बदल चुका है। जहां इंडिया के इस मूव पे पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेड एक्सट्रीम रिएक्शन दिया था, वहीं चाइनीज रिएक्शन भी नोटिसेबल था। लद्दाख को लेकर चाइना ने इसे एक यूनिलेटरल डिसीजन बताया, जिससे इंडिया चाइना की टेरिटोरियल सोवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहा है। एक वार्निंग की तरह साउंड करते हुए चाइना ने इस मूव को अनएक्सेप्टेबल बताया, जिसे वो एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, लेकिन इंडिया ने अपने मूव को रिकंसोलिडेट करते हुए अपने रिफॉर्म्स लद्दाख में भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिए हैं। दोस्तों, माओ के लीडरशिप से स्टार्ट हुई चाइना की फाइव फिंगर्स पॉलिसी ने समय के साथ अपना रूप तो बदला है, लेकिन इसके अंदर का बेसिक एसेंस आज भी वैसा ही है जैसा 1950s में हुआ करता था। नेपाल और भूटान के अलावा लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट डायरेक्टेड इस पॉलिसी का समय के साथ इंडिया ने जवाब दिया है, लेकिन 1962 इंडो चाइना वॉर में हुए लॉसेस के बाद लद्दाख का सिग्निफिकेंट एरिया चाइनीज ऑक्युपेंसी के अंडर चला गया है। कुछ समय पहले हमने हमारे गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह को पार्लियामेंट में ये कहते हुए सुना कि इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चिन्ह को वापस लेकर रहेगा। चाइना द्वारा पाकिस्तान में सीपीसी बनाए जाने के बाद अमित शाह द्वारा लोकसभा में दिए जाने वाले ऐसे स्टेटमेंट चाइना के अगेंस्ट इंडिया के विजन को क्लियर करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के नए मैप्स और नेपाल के साथ चेंज होते इंडिया के रिलेशंस भी चाइनीज स्ट्रेटजी के लिए सेटबैक्स हैं, लेकिन इन्हीं स्टेप्स के साथ इंडिया को ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बेसिस पे भी चाइना को काउंटर करने की जरूरत है। बॉर्डर्स के साथ बेटर कनेक्टिविटी, इंडियन ट्रूप्स को अवेल किए जाने वाले बेटर वेपन्स और इंक्रीज सर्विलेंस आने वाले समय में इंडिया के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एनालिसिस चाइना के फाइव फिंगर्स स्ट्रेटजी की। इन फाइव फिंगर्स में से आपको वो कौन सी फिंगर लगती है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है चाइनीज एनेक्सेशन के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।